साल मुबारक हो सबको ने, मेरे भारत वासियों ने साल मुबारक हो सबको ए, मेरे भारत वासियों युग युग जियो करो उन्नति ए, मेरे भारत वासियों ने साल मुबारक हो सबको ए, मेरे खुशहाली हो घर घर में हो सुख शांति हर चेहरे पे लाली हो, हर चेहरे पे लाली हो सुख शांति की वो नींद सोए, हर कोई भारत वासियों नया साल मुबारक हो सबको ए, मेरे का भाईचारा हो अमन चैन के दीप जले सरहद पे खूब नजारा हो, हद पे खूब नजारा हो मिट जाए नफरत सब दिल से ए, मेरे भारत वासियों नया साल मुबारक हो सबको ए, मेरे वर्ष 2018 का अंतिम दिन है और कल से नया वर्ष 2019 प्रारंभ हो जाएगा। 2018 के समापन एवं 2019 के प्रारंभ में कुछ सावधानियों और सतर्कता बरतने हेतु वरिष्ठ प्रशिक्षक महोदय द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं, चार पांच बिंदुओं पे हैं, जिसमें खास तौर पे अभियान चला करके अवैध असलहों का जहां निर्माण हो रहा है, जहां लोगों ने अवैध फैक्ट्रियां लगा रखी उनको धरपकड़ करने के लिए एवं कुछ लोग अपना जो शस्त्र रखते हैं उसका भी आपराधिक कार्यों में प्रयोग करते हैं उनको चिन्हित करने के लिए आदेश मिला है, जिसको अभियान चला करके किया जा रहा है। इसी प्रकार से नया वर्ष शुरू होने के उपलक्ष्य में आज रात से ही लोगों द्वारा उत्साह बनाया जाएगा, जगह जगह पार्टियां की जाएगी, आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारा विशेष जो एजेंडा है ये है कि लोग दारू पी करके गाड़ियां न चलाएं और जहां जहां आयोजन हो रहे हैं उनको चिन्हित करने के लिए हमने प्रेस सर्किल के सभी थाना अध्यक्षों को अवगत कराया है कि जहां जहां इस प्रकार के आयोजन पहले से कार्यक्रम होने हैं उनकी सूची बना लें, जानकारी कर लें और उसको कायदे से उनके जो आयोजक हैं उनका नाम मोबाइल नंबर आज नोट कर लें और वो विधिवत उसका परमिशन ले लें जहां ये आयोजन कर रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार का शराब का सेवन न किया जाए और शराब का सेवन करके वाहन किसी दशा में न चलाएं। यदि वहां पर किसी प्रकार का हृदय या अशांति होती तो उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी प्रकार से आज जैसा कि प्राय देखने मिलता है कि उत्साह में नए लड़के नौजवान किसी बच्चे तीन सवारी बैठ करके मोटरसाइकिल पर हल्ला गुल्ला करते हुए काफी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, उनके भी खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा, चेकिंग की जाएगी, उनका चालान किया जाएगा और इस तरह के लड़कों को आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और बंद भी किया जाएगा उनको, तो इसको ताकि कोई दुर्घटना न हो और इस प्रकार से आवारागर्दी न होने पाए इस पर रोक भी लगाया जाएगा। आज हमारा एक और एजेंडा है कि जैसे जहां जहां पर महिलाओं का आवागमन होता है आज लोग छीटा कसी वगैरह न करने पाए, आज क्या कभी न करने पाए, एंटी रोमियो स्क्वाड भी हमारा एक्टिव है संबंध में और उसको जगह जगह पे लगाया गया है कि
महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ या किसी प्रकार का जो लोग कंडवाजी करते हैं न करें, इसके लिए हमने प्राइवेट में भी अपने कुछ जवानों को लगा रखा है और कहीं कहीं महिलाएं भी ड्यूटी हमारी लगी हुई है, किस पर प्रभावी हमको लगाए गए। और बीच में जो हमारे कांस्टेबल लगे हैं उनको हमारे अपना तंत्र टाइप का बिछा रखा है कि वो अपने स्थानीय बीट से सूचना संकलित करके अवगत कराएं ताकि अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। जो लोग जेल से बाहर हैं, रिहा हुए हैं, उन पर भी सतर्क दृष्टि रखने हैं तो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, उसको सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त 9 वर्ष मेरी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में सभी प्रकार से कुशलता रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना विकास करें, यही मेरा सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। जनता को मुझे सहयोग प्राप्त हो और जनता की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं, बस इन्हीं शब्दों के साथ। कैसरगंज संतोष कुमार सिंह, कैसरगंज क्षेत्रवासी और बहराई क्षेत्रवासी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में और अपराध निवारण में सहयोग करें और पुलिस आपके साथ हमेशा 24 घंटे तैयार है, अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो आप लोग हैं, हम उसका निवारण करेंगे। नहीं सर, सर एक चीज़ और पूछते हैं, अभी आपके द्वारा एक सराहनीय काम किया गया, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ जो आवारा जानवर घूमते थे उनके रहने के लिए आपने कुछ व्यवस्था की, तो क्या है सर उसके बारे में जानना है। यहाँ कैसरगंज में तमाम आवारा जानवर सड़क पे घूमते थे और बैठते थे जिससे एक्सीडेंट होता था जी। रोज आए दिन हमारी गौ माता और जानवर सड़क पे एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का शिकार होते थे, उनको देखते हुए हमने बगल में डाक विभाग की खाली पड़ी जमीन है जिसमें कूड़ा पड़ा था जिसको जेसीबी के माध्यम से बराबर कराया और उसमें गांव वालों के और लोगों के सहयोग से और कुछ अपने सहयोग से ला के पुआल की व्यवस्था कराई गई जिसमें वो बैठे और उस पुआल को खाते भी रहेंगे तो एक्सीडेंट से भी बचेंगे और बैठ रहे हैं। शाम को आप देखिए दोपहर में जितने भी जानवर हैं कैसरगंज में आवारा घूमते थे सब वहां आके बैठते हैं, उनको सर्दी से भी बचाव के लिए पुआल और गन्ने की पत्तियां डलवाई गई हैं, पानी पीने की व्यवस्था कराई गई है जिससे वो सुरक्षित रहें और लोग भी दुर्घटनाओं के शिकार होने से बचें।